आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक एज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्यूरिटन एज। तो मैं आपको इस एज की करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये इसका जो बैकग्राउंड है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता एग्ज़ाम्स वगैरह में, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मीनिंगफुल होता है। ठीक है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने पढ़ना क्या है और क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए मीनिंगफुल नहीं होता। तो हमारा जो बेसिक जो टारगेट है जिसको हमने डिस्कस करना है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने एग्जाम्स वगैरह में लिखनी होती हैं, तो आपने वो साथ साथ नोट डाउन करते जाना है, मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो प्यूरिटन एज जो थी वो रिनेसेंस एज के बाद आने वाली एज थी जिसमें उन्होंने अपने रिलीजियस फ्रीडम के लिए जो है फाइट की थी और उसे हासिल किया था। तो वाट इज़ प्यूरिटन? प्यूरिटन्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स हु वर डिसटिस्फाइड विद द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट कैरिड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन। तो जो एलिजाबेथ क्वीन थी, ठीक है, उसमें वो उस चीज़ से क्या थे, डिसटिस्फाइड थे रिलीजियस एक्टिविटीज़ और रिलीजियस रिफॉर्मेशन से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रिबेलियंस किया था, ठीक है, और इनके उनके अगेंस्ट और एक ऐसी मूवमेंट हुई थी और फिर ये एक एज आई थी। तो ये प्यूरिटन एज थी। प्यूरिटन ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि प्रोटेस्टेंट थे और क्वीन एलिजाबेथ के दौर में होने वाले रिलीजियस रिफॉर्मेशन से डिससेटिस्फाइड थे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें। तो प्यूरिटन एज इंग्लैंड में होने वाली प्यूरिटन मूवमेंट के बाद राइज हुई। इसका टाइम पीरियड 1600 टू 1660 तक था और इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, क्योंकि जो मिल्टन थे, जॉन मिल्टन, इस दौर के फेमस राइटर थे और जो इस एज के रिप्रेजेंटेटिव शायर थे, जॉन मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला था। इस एज के जो पोइट्स हैं, प्रोमिनेंट पोइट्स हैं, उनमें जॉन मिल्टन का शुमार किया जाता है। 17वीं सेंचुरी का जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको टू पीरियड में डिवाइड किया गया है। नंबर वन प्यूरिटन एज 1600 टू 1660, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, और नंबर दो रेस्टोरेशन पीरियड, जिसे जो 1660 टू 1700 तक है और उसे एज ऑफ ड्राइडन कहता है। ड्राइडन का बायोग्राफी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहें तो लाजमी है, बल्कि देख लें, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि रेस्टोरेशन एज के अंदर जॉन ड्राइडन की क्या खिदमात थी। प्यूरिटन एज को कैरलिक जो कैरलिन पीरियड है उस ये भी बोला जाता है। इसकी रीज़न ये है कि प्यूरिटन एज के कुछ हिस्सा यानी 1625 टू 1649 तक वहाँ इंग्लैंड का रूलर चार्ल्स वन था और चार्ल्स के जो लैटिन वर्जन है वो कैरलिन है, कैरलस, और इसी तरह सबसे इस एज के जो कैरलिन पीरियड भी बोला जाता है, और चार्ल्स के जो सपोर्टर थे वो कैविलियर पोइट्स उन्हें कहा जाता है, और चार्ल्स एक अच्छा रूलर नहीं था। इसको इनको 1649 में भी हेडिट कर दिया गया था और इसके जो सपोर्ट करने वाले पोइट थे उनका एक अलहदा ग्रुप था। अगर हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है कि जो इंग्लिश सिविल वार के दौरान ये प्यूरिटन्स एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप बनकर सामने आया, और ये सिविल वार 1642 टू 1651 के दरमियान हुई, और ये सिविल वार एक कन्फ्लिक्ट की सीरीज थी जो कि चार्ल्स वन और उसके सपोर्टर जो कि कौन थे, कैविलियर पोइट्स, उनके दरमियान पार्लियामेंटेरियन राउंड हेड्स उनके दरमियान थी। और ये राउंड हेड का ग्रुप असल में कौन था, प्यूरिटन मिडिल क्लास का ग्रुप था, ये कहलाते थे राउंड हेड्स। और ये वार 1651 में ख़त्म हुई जिसमें पार्लियामेंटेरियन को विक्ट्री मिली और चार्ल्स वन को मार दिया गया और चार्ल्स टू यानी उसका बेटा वहाँ से भागकर फ्रांस चला गया। अब इंग्लैंड का रूलर कौन बना, ओलिवर क्रॉमवेल बन गया, ये रूलर था बट किंग नहीं था, ठीक है। वहाँ पर प्रोटेक्टरेट का रूल लाया गया जो कि 1653 टू 1659 तक था, और इस प्रोटेक्टरेट का इस्टेब्लिश होना असल में प्यूरिटन्स की बहुत बड़ी सक्सेस थी। दो प्यूरिटन्स को जो नैरो माइंडेड और जो रिप्रेसिव समझा जाता था, क्योंकि वो जो थे वो रिलीजियस के हद तक बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड थे और इन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सख्ती वगैरह करते थे, बट असल में वो लोग अपने रिलीजन और सिविल लिबर्टी के हवाले से फोकस थे और इनका ये एम था कि वो अपने रिलीजन में हर तरह की लिबर्टी को हासिल कर सकें, अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको ओपनली रिप्रेजेंट कर सकें और उस लोगों को रिलीजन की तरफ माइल किया जा सके, यही उनका एम था। क्रॉमवेल इंग्लैंड का लीडर 1649 से 1660 तक था, जो कि एक तरह से प्यूरिटन्स का नुमाइंदा था। उसके मरने के बाद जो उसका बेटा था रिचर्ड, वो वहाँ का किंग बन जाता है और जो उस पोजीशन के लिए वो कैपेबल नहीं होता,
और वो अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से नहीं कर पाता। इन सब हालात की वजह से जो चार्ल्स सेंगर जो कि वहाँ से भाग गया था, वो वापस आकर उसको वापस लाया जाता है और उसको दोबारा इंग्लैंड के किंगडम का जो है किंग बना दिया जाता है। और इंग्लैंड में एक तरह से जो है वो मोनार्क सिस्टम, जो बादशाह सिस्टम था, वो वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो अब एक और एज स्टार्ट होती है जिसे रेस्टोरेशन एज कहते हैं। एक हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टच दिया, ठीक है, जिससे आपको हिस्ट्री थोड़ी सी समझ आ जाए। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं, इस एज की करेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमारा मेन फोकस वही है और जो चीज़ हमें रिक्वायर होती है हम उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूटन एज। प्यूटन एज के जो राइटर्स हैं उन्होंने ग्रेट रिनेसंस के राइटर्स के पाथ और उनके स्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दिया। मींस रोमांटिसिज्म की जगह ह्यूमनिज्म और रिलीजियस पोइट्री ने ले ली। इस एज में रिलीजियस सर्मन्स, नरेटिव, हिस्टोरिकल नरेटिव, पर्सनल जर्नल जैसी राइटिंग स्टाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई। इसके अलावा इस एज में ऑटोबायोग्राफी लिखने का ट्रेंड शुरू हुआ। प्यूटन एज से पहले हमें पोइट्स और राइटर्स के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि इस एज में के बाद बायोग्राफीज लिखी जाने लगी। इसके अलावा एक और मेजर ट्रेंड चेंज हुआ कि फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म को प्रमोट किया गया। बहुत से लोग यानी क्रिटिक्स अपनी राय देने लगे, बिकॉज इनको अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिबर्टी हासिल हो चुकी थी। एक और करैक्टरिस्टिक यह है कि प्यूटनिज्म को सेकंड ग्रेट रिनेसंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये एक मूवमेंट थी, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, और ये रिफॉर्मेटिव मूवमेंट के बाद आने वाली एज है और इसे लिटरेचर में भी रिवाइवल ऑफ आर्ट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि प्यूटन एज में लिटरेचर और पोइट्री से न्यू स्टाइल और ट्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा पहले से मौजूद जो लिटरेरी स्टाइल था उसको भी रिफॉर्म किया गया। ऑल्दो ये एक रिलीजियस लिबर्टी मूवमेंट है, इसलिए इसको यूरोप के लोगों की लिबर्टी के लिए कायम किया गया था। इसके अलावा इस एज में आर्नी स्टाइकल स्टाइल उसको बहुत फेम हासिल हुआ, क्योंकि इस एज के राइटर के लिखे जाने वाले बुक्स में आर्नी और स्टायर को मेन थीम के तौर पर यूज किया जाता था। इस स्टायर और आर्नी की वजह से सोशल और पोलिटिकल सोसाइटीज़ में होने वाले इनजस्टिस को ख़त्म करके एथिकल और मोरलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया और हाई आइडियल्स और मोरलिटी को मेन फोकस बनाया गया, क्योंकि ये ओवरऑल एक रिफॉर्म मूवमेंट थी, इसलिए हर तरफ हर फील्ड में जो रिफॉर्मेशन का अमल हो रहा था। इस एज के राइटर्स का राइटिंग स्टाइल बिल्कुल क्या था कि सिंपल सेंटेंस और सिंपल लैंग्वेज पर मुश्तमिल था और किसी किस्म की कोई भी आर्टिफिशियलिटी और उनकी राइटिंग में नज़र नहीं आती थी। उस एज के बाद जो है वो ओल्ड फैक्ट को दूसरे तक कन्वे करने के लिए और यानी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को एक फोकस्ड मीडियम बनाया गया, ताकि वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं वहाँ होने वाली हर मूवमेंट और हर एक्टिविटी को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और बहुत से राइटर्स के आइडियाज़ और डाटा को इसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। प्रोज के स्टाइल में डेवलपमेंट्स की गई, इवन के प्रोज इससे पहले भी लिखी जाती थी मगर इस एज में प्रोज को एक नए स्टाइल से प्रेजेंट किया गया। इस एज में आर्ट ऑफ ड्रामा को कुछ ऐसे के लिए कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो प्यूटन्स हैं वो थिएटर वगैरह को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे और थिएटर वगैरह को उन्होंने क्लोज कर दिया, बिकॉज वो इस इमोरल और नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज समझते थे। क्योंकि प्यूटन जो थे वो कौन थे, वो आपको पता ही है कि वो रिलीजियस लिबर्टी चाहते थे और जो चीज़ उनके मजहब के दरमियान आ रही थी वो इस चीज़ को मना कर रहे थे और वो ख़त्म कर रहे थे। तो जो ड्रामा था वो इस एज में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। इस तरह इस एज में लिटरेचर में भी बहुत सी रिफॉर्मेटिव मूवमेंट और रिफॉर्मेटिव जो है रिफॉर्मेशंस आई। अब अगर इस एज के जो मेजर पोइट्स की बात की जाए तो प्यूटन एज के जो मेजर पोइट्स हैं, सबसे अहम पोइट कौन है, जॉन मिल्टन, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। इन्होंने इस एज में बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे, इस वजह से इसे एज ऑफ मिल्टन और प्यूटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। अब जॉन मिल्टन कौन थे? जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 में लंदन में पैदा हुए। उन्होंने अर्ली एजुकेशन के बाद क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उन्होंने चाइल्डहुड में लैटिन लैंग्वेज सीख ली थी और कैम्ब्रिज में उनकी फ्रेंडशिप किंग एडवर्ड से हो गई और उनके लिए उन्होंने एक पोम भी लिखी जिसका नाम था लेसिडास। इसे उन्हें जो है वो शुरू से ही रीडिंग का बहुत शौक था। उन्होंने एंशियंट और मॉडर्न हर तरह के वर्क्स को रीड किया हुआ था, जिसमें वो फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स और लिटरेचर शामिल हैं। उन्होंने क्रॉमवेल इंग्लैंड में सिविल वार के दौरान सर्वेंट के तौर पर
काम किया। उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर ही इंटेलेक्चुअल सिविल सर्वेंट के तौर पर अपनी सर्विसेज पेश की। उन्होंने बंटिल जैसे रूरल एरिया पर रहकर अपने मैग्निफिसेंट वर्क यानी पैराडाइज लॉस्ट को लिखा। उस वक़्त पे वो ब्लाइंड और वीक हो चुके थे। उन्होंने 1658 से लिखना शुरू किया था और पैराडाइज लॉस्ट का पहला एडिशन 1664 में 10 बुक्स पर मुश्तमिल था वो पब्लिश करवाया। उसके बाद वो उनका जो सेकंड एडिशन था 1674 में पब्लिश हुआ जो कि 12 बुक्स पर कंसिस्ट। इस मैग्नम ओपस को मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा और इस एपिक पोम की वजह से मिल्टन को बहुत ज़्यादा फेम मिला। उसके बाद उसने पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में पब्लिश करवाया। उसके साथ उसने एक सैमसन ट्रेजी ड्रामा भी इसी साल पब्लिश करवाया। और मिल्टन के ये दोनों वर्क्स जो कि 1671 में थे वो पोस्ट रेस्टोरेशन पॉलिटिकल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते थे। 1674 में डेथ से पहले वो पैराडाइज लॉस्ट का रिमेनिंग पार्ट पे वो वर्क कर रहे थे। 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आया तो उसने इसको क्या किया कि अरेस्ट करवा लिया क्योंकि वो कॉमनवेल्थ को सपोर्ट कर रहा था और उसके सपोर्ट में वो क्या करता था पंपलेट्स बनाता था। बट बाद में वो फाइन वगैरह देकर उसको छोड़ दिया गया। मिल्टन प्यूटन एज के दौरान सबसे ज़्यादा काम करने वाले राइटर थे और इसी तनासब से इस एज को मिल्टन के नाम से याद किया जाता है। इसके फेमस वर्क में फॉलोइंग राइटिंग्स शामिल हैं: ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में इसको लिखा गया। ये एक ऑड है जो कि क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन को डिस्क्राइब करती है यानी उसमें अर्थली और पैगन्स पावर को भी बयान किया गया है और जीसस ने जो सेक्रीफाइस किया उसका भी जिक्र किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो ऑन शेक्सपियर है जो कि 1630 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट ऑन अराइविंग एट एज ऑफ 23 1631 ला एलिजो 1632 ये एक पोस्टोरल पोम है और इसे अपनी यूथ में लिखा था उसने। उसका मतलब है कि द हैप्पी मैन और एलेग्रो एक लैटिन लफ्ज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो द पेंसुरसो ठीक है सेंगड पेंसुरसो इसका मतलब है द सीरियस मैन। इसे इंग्लिश और लैटिन दोनों लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया। कॉमर्स इसे 1634 में पब्लिश करवाया गया इसका मतलब है अ मैस्क्यू और इसके जो चेस्टिटी के हॉनर में लिखा गया और इसे लाउडलो और कैस्टल में सेलिब्रेशन पर प्रजेंट किया गया। इसे मिल्टन ने अपनी म्यूजिशियन दोस्त के रिक्वेस्ट पर लिखा था। उसके बाद लेसिडास मिल्टन ने कैम्ब्रिज के फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेडिकेशन में इस पोम को लिखा था। नेक्स्ट जो पोम है जो वर्क है व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट 1652 ये मिल्टन के सोनेट में से एक फेमस वर्क है। इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ऑन द लेट मैस्केर इन फेडमोंट ये भी एक सोनेट है जो कि ईस्टर मैस्क्यू से इंस्पायर होकर मिल्टन लिखी। पैराडाइज लॉस्ट ये तो बहुत फेमस पोम है जिसका आपको पता है ये मिल्टन की एपिक पोम है फेमस एपिक पोम जिसे 1667 में इसके फर्स्ट पार्ट को जो लिखा गया जो ये ब्लैंक वर्स पे लिखी गई जो कि 1667 में 10 बुक पर कंसिस्ट थी। 1674 में इसे 12 बुक्स में फर्दर डिवाइड करके पब्लिश करवाया गया और इसे मिल्टन का मास्टरपीस जाना जाता है। पैराडाइज रिगेन्ड ये उसकी पैराडाइज लॉस्ट अर्लियर पोम से कनेक्टेड है। इसमें मिल्टन ने इस बुक से रिलेटेड कुछ थियोलॉजिकल थीम्स को लिखा है। उसके बाद सैमसन एगोनिस्ट ये 1671 सैमसन चैम्पियन एक ट्रेजिक ड्रामा है ये पैराडाइज रिगेन्ड के साथ ही अपेयर हुआ था। उसके अलावा मिल्टन ने डिफरेंट ओकेजंस के हवाले से पोम्स और ड्रामास लिखे जो कि बहुत फेमस हुए। उसने अपनी वाइफ के प्रेज में टू द नाइट एंगल पोम भी लिखी। अगर हम मिल्टन के प्रोज राइटिंग की बात करें तो रिफॉर्मेशन 1641 ऑफ प्रीलेटिकल एप्सिकॉप्सी 1641 एनी मेडिवेजियंस 1641 ये उसके प्रोज राइटिंग और उसका इरा है। द रीजंस ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी 1642 अपॉलजी ऑफ एक्टिमानस 1642 डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1643 एंड जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डिवोर्स 1644
ऑफ एजुकेशन 1644, अरिपो गैटिसिया 1644, टेट्रो चोर्डोन 1645, कोलेस्ट्राइन 1645, फर्स्ट डिफेंस 1651 एंड मैनी मोर। ये उसके प्रोज राइटर्स हैं जो जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताई। इसके अलावा जॉन मिल्टन के सेवरल आई विटनेस राइटिंग 1823 तक पब्लिश हुई और होती रही, जो कि उसके बाद आने वाले पोइट्स और आई विटनेस ने पब्लिश करवाई। इस लिहाज से मिल्टन इस इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला राइटर था, उस एज का एक प्रोमिनेंट राइटर था। अब अगर हम मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन जॉनर ऑफ पोइट्री इन पोइटन एज देखें, यानी पोइटन एज के दौरान पोइट्री के अंदर जो जिन्होंने काम किया, जो प्रोमिनेंट राइटर थे उनको देखें, तो पोइटन एज में जॉनर ऑफ पोइट्री सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, इसलिए हमें इस एज में ज़्यादा पोइट्स देखने को मिलते हैं। इस एज में पोइट्री के लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नेम तो जॉन मिल्टन का था। इसके अलावा दूसरे आने वाले पोइट्स को भी फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इनमें तीन कैटेगरीज हैं, स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल पोइट्स एंड कैवलियर पोइट्स। ज़्यादा अहम इसलिए इनको ये ज़्यादा अहम पोइट्स हैं और इसलिए इनको इन डिवाइड में पार्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम स्कूल ऑफ स्पेंसर के पोइट्स को देखेंगे। स्कूल ऑफ स्पेंसर में बेसिकली वो पोइट्स शामिल हैं जिन्होंने स्पेंसर के राइटिंग स्टाइल को और उसके फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिटरेचर में अपनी सर्विसेज पेश की। इन पोइट्स का इस प्यूरिटन एज में इसलिए जिक्र आता है क्योंकि उन्होंने इस टाइम पीरियड 1600 टू 1660 के दौरान किसी न किसी तरह अपनी पोइट्री के थ्रू इंग्लैंड में होने वाली रिफॉर्मेशन में हिस्सा लिया, चाहे वो कंट्रीब्यूशन मजबूत थी, सोशल थी या पॉलिटिकल थी। इसलिए स्पेंसरियन पोइट का जिक्र प्यूरिटन एज के साथ लाजमी आता है। इनमें फॉलोइंग पोइट्स ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं जिनका इस दौर में फेमस वर्क्स आए और जिन्होंने अनफॉरगेटफुल जो हैं वो अपनी खिदमात पेश की। राइटर है वो है पेनियास फ्लेचर 1582 to 1648। ये स्पेंसर स्कूल का एक डिसाइपल राइटर था। इसने प्यूटन एज के दौरान एक फेमस वर्क पर्पल आइलैंड लिखा, जो कि मुकम्मल तौर पर स्पेंसर के राइटिंग पैटर्न पर बेस्ड था, यानी उसमें एल्गोरिकल स्टाइल को यूज़ किया गया था, जैसा कि स्पेंसर के फेमस मास्टरपीस वर्क फेरी क्वीन में इस्तेमाल किया गया था। पे गाइल्स फ्लेचर, गाइल्स भी इस तर्ज पर लिखे पोइट्री में एक मेजर फिगर समझा जाता है। इसने भी इस एज के हवाले से एक रिलीजियस वर्क लिखा था जो कि बहुत फेमस हुआ। गाइल्स के वर्क में क्राइस्ट विक्ट्राई और ट्रम्फ इन अर्थ एंड हेवन ओवर एंड आफ्टर डेथ शामिल हैं, जो कि 1610 में पब्लिश हुए। इनमें रिलीजियन रिफॉर्मेशन को एक थीम को यूज़ किया गया। उसके अलावा ये वर्क उसने प्योर स्पेंसेरियन एल्गोरिकल स्टाइल में लिखा, उसी तनासु से इसे स्पेंसेरियन के जो स्कूल ऑफ स्पेंसेरियम है उसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट जो नंबर थर्ड पे विलियम ब्राउनी। विलियम ब्राउनी 1519 में पैदा हुए, उनकी डेथ 1645 में हुई। स्पेंसेरियन स्कूल की लिस्ट में उनका नाम आता है विलियम ब्राउनी का, जिसने सेम स्पेंसर पैटर्न को कॉपी किया। उसके वर्क पोइटिकल वर्क में से एक पोम जो कि इसेंशियल समझा गया, जिसे ब्राउनी ने पेस्टोरल थीम पर लिखा, उसका नाम ब्रिटानियाज पेस्टोरल है। और ये पेस्टोरल लाइटिंग उस एज में प्यूटन एज में बहुत फेमस हुई क्योंकि ये इस एज की सरकमस्टांसिस के हवाले से परफेक्ट वर्क समझा जाता है। नेक्स्ट जो है वो विलियम डरमाउंड है, 1585 to 1649। डरमाउंड एक स्कॉटिश पोइट थे और उसने बहुत ही सॉन्ग्स जो हैं वो पेस्टोरल सोनेट सॉन्ग्स, एलिगीज और रिलीजियस पॉम्स भी लिखी थी, जो कि प्यूटन एज में बहुत फेमस हुई क्योंकि इंग्लिश पीपल को इस एज में इस तरह के पॉम्स और सॉन्ग्स की ज़रूरत थी। उसके प्यूटन एज के फेमस वर्क में टेयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलियर्ड्स, जो कि एक एलिगरी है। इसके अलावा कुछ सोनेट जैसा कि फ्लावर्स ऑफ सेंट पेस्टोरल्स बहुत फेमस हुए थे। जो राइटर है वो जॉर्ज वेदर है। वेदर का तल्लक सेम स्कूल से था। उन्होंने प्यूटन एज के दौरान अपने लिरिकल एलोजी को प्रेजेंट किया। वेदर की लिखे जाने वाली द शेफर्ड्स हंटिंग और पर्सनल एक्स बोग्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा उसने इस एज में एक हीरोइक एप्स्टल यानी कि फेडिला भी लिखी। फेयर फिर्चू और मिस्ट्रेस ऑफ फिलेरेट इसकी लिखे जाने वाली लिरिकल एलोजी हैं, जो कि आइडियल वुमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करती हैं।
उसके बाद ये थे हमारे स्पेंसर्स के राइटर्स, स्कूल ऑफ स्पेंसर्स के राइटर, जिन्होंने और स्पेंसर्स के तर्जमे को फॉलो करते हुए अपनी राइटिंग्स, अपनी खिदमात पेश की, जो कि प्यूटन एज के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्ट जो टर्म है, तो मेटाफिजिकल पोइट, जो कि उस एज में जिन्होंने अपनी जो हैं वो सर्विसेज पेश की और अपना एक नाम एज ए मेटाफिजिकल पोइट्री के तौर पर जाने गए, द मेटाफिजिकल फिजिकल स्कूल। 17th century में कुछ ऐसे पोइट्स का एक ग्रुप बना जिन्होंने एक अलग किस्म की पोइट्री को इंट्रोड्यूस कराया। इस पोइट्री में उन्होंने कंसीट, एग्जैजुरेशन, सिमिलीज, फारफेच्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड मेटाफ्रेजेस का इस्तेमाल किया। इस मेथड ने उन्हें पहले आने वाले पोइटिकल वर्क से डिफरेंट बना दिया और वे एक यूनिक स्टाइल के राइट पोइट्स बन गए। इन ये पोइट्स जॉन डन जैसे फेमस विटफुल और शाइनिंग स्टार्स के ग्रुप में शामिल होते हैं। इन्हें रोमांटिक पोइट्स और थिंकर्स और हॉनेस्ट पोइट्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और इस एज के पोइट्स ज़्यादातर रिलीजियस एस्पेक्ट से भी अवेयर थे, दैट्स वाई इन्हें प्योरटन एज के मेटाफिजिकल के तौर पर याद किया जाता है। इस स्कूल में फॉलोइंग पोइट्स ज़्यादा अहम हैं। नंबर वन, जॉन डन। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट के स्कूल का लीडर माना जाता है। इसका काम ज़्यादातर रिलीजियस राइटिंग पर कंसिस्ट है, जिसकी वजह से इसे प्यूटन एज के प्रोमिनेंट पोइट्स में शुमार किया जाता है। इसकी ऑटोबायोग्राफी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने उसके तमाम वर्क्स और उनके राइटिंग्स और उनके जो वर्क्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया है। और इनका प्रोमिनेंट, वो इस दौर के प्रोमिनेंट राइटर थे। उनका फेमस वर्क जो है वो मेटासाइकोसिस और द प्रोग्रेस ऑफ सोल शामिल हैं। और इसके जो मेटाफिजिकल वर्क्स हैं, द एंटोनमी ऑफ वर्ल्ड, जो कि एक एलिगरी है। उसके अर्लियर वर्क में से एपिथेलमीमियम बहुत फेमस है, जो कि लव पोएट्री एंड रोमांटिक है, जिसे जॉन डन ने एक रियलिस्टिक मैनर में लिखा। प्यूटन एज के पीरियड में उसके रिलीजियस वर्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। नेक्स्ट जो पोइट है मेटाफिजिकल पोइट में, वो थॉमस कैरियो है। ये भी मेटाफिजिकल स्कूल का एक अहम फिगर है। इसका नाम जो है कैवलियर पोइट्स में आता है, लेकिन ये कैवलियर पोइट से ज़्यादा एक मेटाफिजिकल पोइट्री में इसको माना जाता है, ड्यू टू हिज राइटिंग स्टाइल। और इसने भी इस स्कूल के दूसरे पोइट के राइटिंग स्टाइल को कॉपी किया। उसके फेमस वर्क में क्वेश्चंस ऑफ लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे एक रिथमेटिक कोऑर्डिनेट सेटिंग में लिखा गया। राइटर जो हैं वो रिचर्ड क्रैशियो है, ये भी स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट फिगर समझा जाता है। इसका फेमस वर्क द फ्लेमिंग हार्ट शामिल है, जिसे रिथमेटिक कैडेंस की सेंस में लिखा गया। राइटर है वो है इब्राहिम कॉली। प्यूटन एज के बहुत से रीडर्स से इसको एडमायरेशन मिली, क्योंकि इस एज के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग मोस्टली वर्ड्स लिखेंगी जिनमें पेंडारिक ऑड्स ज़्यादा अहम हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो राइटर है वो है रॉबर्ट हैरिक। उनका तलक भी इसी स्कूल से था, और इससे की बड़ी वजह उनके लव और मेटाफिजिकल पोइट्री थी, जो कि प्यूटन एज में पढ़ी जाती थी। लॉर्ड हार्बर्ट, इसने भी मेटाफिजिकल स्कूल की इन्फ्लुएंस में पोइट्री लिखी। हेनरी विघन, इसके अलावा एंड्रयू मार्वल, एडमंड वेलर वगैरह शामिल हैं, जो कि मेटाफिजिकल स्कूल का हिस्सा हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ पोइट्री के जो लोग हैं, वो है कैवलियर ग्रुप ऑफ पोइट्स। इस ग्रुप में वो पोइट्स शामिल हैं जिन्होंने बेन जॉनसन के इन्फ्लुएंस के अंडर लिखा। उन्होंने बेन जॉनसन के क्लासिकल मैनर को फॉलो करते हुए अपनी पोइट्री को लिखा। तमाम कैवलियर्स मुकम्मल तौर पर लॉरलिस्ट नहीं थे, जैसा कि उनका लेबल से शो होता है। बिकॉज 1609 to 1649 सर जॉन शकलिंग और सर रिचर्ड लवलेस 1618 to 1658 दोनों का ट्रू सेंस में रॉयलिस्ट नहीं थे। लवलेस के पोम का वॉल्यूम, लव पोम वॉल्यूम का नाम द लकास्टा है, जो कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फेमस वर्क समझा जाता है। इसके अलावा टू अल्थिया भी कैवलियर्स का ही वर्क है और प्रोमिनेंट समझा जाता है। तो ये तीनों जो प्रोमिनेंट राइटर्स के ग्रुप थे, जो सबसे पहले हम जिसको हमने आज डिस्कस किया, स्पेंसर की पोइट्री को राइटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले का ग्रुप था, द मेटाफिजिकल पोइट थे और कैवलियर पोइट्स थे। अब हम क्या करने लगे हैं कि मेजर फिगर एंड वर्क्स ऑफ प्यूटन एज इन जॉनर ऑफ प्रोज, कि प्रोज के अंदर जो राइटर्स जिन्होंने अपना काम किया और अपनी खिदमात पेश की और प्रोज को एक
नए तर्ज अमल से और नई तकनीक से इंट्रोड्यूस करवाया और उनको डिस्कस करने लगे। प्योरटन एज वो टाइम था जब लैटिन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ग्रेट वर्क किया गया। इस एज में बाइबल की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी की गई। पोइट्री की तरह प्रोज भी इस दौर में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी, इसलिए प्रोज राइटर की एक लंबी लिस्ट है हमें इस एज में देखने को मिलती है, जिसमें कुछ राइटर जो हैं वो फॉलोइंग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर हैं। फ्रांसिस बैकन नंबर वन, इनका 1561 to 1628, ये प्योरटन एज के ग्रेट प्रोज राइटर हैं जिनका काम इस एज की स्टार्टिंग में बहुत इनको फेम मिला काम की वजह से इस एज की स्टार्टिंग में। उसका फेमस वर्क में ऐसेज शामिल हैं उनके, ऑफ ब्यूटी, ऑफ स्टडीज, इस तरह के उनके ऐसेज हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं इस एज के अंदर। उसके अलावा बैकन अपने हिस्टोरिकल वर्क के हवाले से भी जाने जाते हैं, जिनमें हेनरी एट और द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग शामिल हैं। उसे द रैशनल काइंड ऑफ प्रोज के राइटर के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो रॉबर्ट बर्टन हैं। रॉबर्ट बर्टन 1577 to 1640, रॉबर्ट बर्टन एक फेमस प्रोज राइटर थे और ये रैशनल काइंड ऑफ प्रोज के राइटर के तौर पर फेमस हुए। उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत सिंपल और फ्लुएंट होने की वजह से इजी टू अंडरस्टैंडेबल था। उसके फेमस वर्क में उनकी एक बुक द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली बहुत फेमस है, जिसे बर्टन ने सिंपल स्टाइल में लिखा था। प्रोज राइटर सर थॉमस ब्राउने, ये एज ऑफ प्यूटन के एक प्योर प्रोज राइटर थे और इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की स्टाइलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उसने ज़्यादातर रिलीजियस काइंड ऑफ वर्क किया, जिसमें रिलीजियो मेडिची शामिल है, जो कि एक प्योर रिलीजियन बुक है। अनदर फेमस वर्क ऑफ ब्राउने वाज हाइड्रोटॉफिया एंड द यर्न ब्रॉयल। बोथ ऑफ दीज आर रैशनल एंड रिच वर्क ऑफ ब्राउने। नेक्स्ट वन प्रोज राइटर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को हम एज ए पोइट पढ़ चुके हैं, अब जॉन मिल्टन एज अ प्रोज। मिल्टन ने पोइट्री की तरह प्रोज में भी अपनी सर्विस पेश करते हुए हमें कुछ मास्टर्स पेश दिए, ऑन द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, और ये उनका जो है एक बहुत फेमस प्रोज था। इसके फेमस प्रोज राइटिंग के तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद राइटर हैं वो अर्ल ऑफ करन जॉन 1609 to 1674, इसने भी प्यूटन एज के सर्कमस्टांसिस के बारे से प्रोज लिखे जो कि रीडर्स में बहुत पसंद किए गए और वो बहुत फेमस रहे। उसके फेमस वर्क में हिस्ट्री ऑफ रिबिलियंस और सिविल वार्स इन इंग्लैंड शामिल हैं। उसके बाद जेरेमी टेलर 1613 to 1667, ये प्यूटन का वो प्रोज राइटर है जिसने रिलीजियस प्रोज पर काम किया, और इसके फेमस वर्क में होली डाइंग और होली लिविंग शामिल हैं। कर चुके हैं कि ड्रामा जो था वो थिएटर जो था वो मुकम्मल बंद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ राइटर्स थे, लाइक ये कम हो गया था, बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया था, क्योंकि प्यूटन एज से पहले थी द एज ऑफ ड्रामा, ठीक है, जिसे गोल्डन एज ऑफ ड्रामा कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, रिनेसेंस की एज, तो बहुत ज़्यादा ड्रामा लिखा जाता था। लेकिन प्यूटन के अंदर आके वो चीज़ जो है वो बहुत कम हो गई थी, हो रही थी लेकिन बहुत कम हो गई थी। तो हम अब क्या करेंगे कि मेजर फिगर एंड वर्क्स इन जॉनर ऑफ ड्रामा एंड नॉवल, इस चीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो प्यूटन एज में राइटर्स का मेन पर्पज़ अपनी राइटिंग्स के थ्रू रिलीजियस रिफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना था, इसलिए प्यूटन ये समझते थे कि राइटिंग्स का मकसद एंटरटेनमेंट यानी ड्रामाज और फिक्शनल नॉवल नहीं है, बल्कि अपने रिलीजियस गोल्स को हासिल करना है। इसलिए इस एज में थिएटर वगैरह को बंद कर दिया गया था और ड्रामा और नावल पर बहुत कम काम किया जाता था, ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन बहुत कम था, क्योंकि इस तरह की जो इंटरटेनमेंट को प्यूटन के नज़दीक इमोरल समझा जाता था और प्यूटन इसे सपोर्ट नहीं करते थे। ये एज जेम्स वन और चार्ल्स वन की एज थी और वो दोनों ही थिएटर के खिलाफ थे, इसलिए थिएटर काफ़ी अर्से तक क्लोज रहे और रिनेसेंस पीरियड की नस्बत बहुत कम काम हुआ। उसके बावजूद बेन जॉनसन ने ड्रामाज लिखे और उसे सपोर्ट भी किया, और इसके कुछ एज फॉलोअर्स हम असर उस एज के जो लोग होते हैं जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसके हम असर होते हैं, वो होते हैं जो उसी के कंपेटिटिव होते हैं और उस चीज़ को लिख रहे होते हैं। तो उसके कुछ एज फॉलोअर्स ड्रामास्टिस्ट और नॉवलिस्ट वगैरह जो थे वो उस चीज़ को उसके साथ थे और वो भी अपने ड्रामाज और नावल पेश कर रहे थे जो कि फॉलोइंग हैं। ड्रामेटिस्ट हैं और नॉवलिस्ट वगैरह कुछ राइटर्स हैं जो इस एज में अपने ड्रामाज वगैरह जो हैं वो पेश कर रहे थे। अब फर्स्ट वन इज जॉन मर्स्टन, यस 1575 to 1634। मर्स्टन ने
जो ड्रामास पेश किए इनमें एंटोनिया एंड मेलिडिया और एंटोनियस रिवेंज शामिल हैं, और इसके बेस्ट प्ले में ईस्टवर्ड हो शामिल हैं जो कि बहुत फेमस हुआ। नेक्स्ट जो राइटर है वो थॉमस डेकर हैं, 1570 to 1632, इसने भी कॉमेडी के सेंस में प्लेज पेश किए, उनमें द शू मेकर्स, हॉलीडे, ऑल फॉर्चूनेट्स एंड द हॉनेस्ट वॉर शामिल हैं। थॉमस हेबुड वो 1575 में पैदा हुआ और 1650 में उनकी डेथ हुई, उसने तकरीबन 220 प्लेस लिखे, उनमें से कुछ ट्रेजडी पर बेस्ड भी थे और कुछ वैसे प्लेस थे। उसके वेल नाउन प्लेस में द फोर प्रेंटाइसिस ऑफ लंदन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम, एडवर्ड सिक्स, द ट्रेवल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लिश ट्रेवलर एंड फेयर मेड ऑफ वेस्ट शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो राइटर हैं वो थॉमस मिल्टन हैं। मिल्टन भी अपने ड्रामा की वजह से बहुत फेमस था, उनमें से माइकल मास्टर्म्स अ ट्रिक टू कच द ओल्ड वन मेड वर्ल्ड शामिल है, जो कि बहुत ही रिनाउंड प्ले समझे जाते हैं। फिल टर्नौर ये एक नदर राइटर्स हैं, 1575 to 1626, इस तरह टर्नौर ने भी मेलोड्रामास लिखे, इनके फेमस ड्रामास में द रिवेंज ट्रेजडीज एंड द एथियस ट्रेजडी शामिल हैं। नेक्स्ट राइटर फिलिप मैसेंजर, 1583 to 1640, ये भी प्यूटन एज के ड्रामेटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, उसने कॉमेडी के थीम पर ज़्यादा प्लेस लिखे हैं, उनमें जो है वो ट्री एंड थेडरेट, द फॉल्स वन, लिटिल फ्रेंच लॉयर्स, अ न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेप्ट शामिल हैं। उसके बाद जॉम्स शर्ले, 1596 to 1666, ये भी प्यूटन एज का एक ड्रामेटिस्ट है, और उसके फेमस ड्रामा में द कर्डिनल, द लेडी ऑफ प्लेजर्स एंड द वेडिंग चेंजेस शामिल हैं। उसके अलावा वो माइनर ड्रामेटिस्ट उस एज में थे जिन्होंने इस एज में इंटरटेनमेंट की रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद लोगों को फन और इंजॉय के लिए ड्रामास पेश किए, और इस और ये ड्रामास के ट्रेजडीज भी थे, कॉमेडीज के थीम पर भी प्लेज लिखे जो कि रीडर्स के लिए एडमायरेबल थे। राइटिंग स्टाइल इन प्यूटन एज को देखें तो प्यूटन एज में आमतौर पर प्लेन और सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग को फॉलो किया जाता था, जिसमें सिंपल और आसान सेंटेंस के साथ इजी लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती थी। इन राइटिंग में मेटाफोरिकल और यूज़ ऑफ ऑर्मेंटेशंस को डिस्करेज किया जाता था, और उनका इस्तेमाल जो था वो बहुत लिमिटेड रखा जाता था। इस एज में रिलीजियस सर्मन्स वगैरह को अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इसका मेन मोटिव सिर्फ लोगों को गॉडली एग्जिस्टेंस के बारे में बताना था। देयरफॉर ग्रीक मेथोडोलॉजी और क्लासिकल लिटरेचर को फॉर्म्स इस तरह की फॉर्म्स को अवॉइड करके ईजी और अंडरस्टैंडेबल तरीके में लिखा जाता था। इसके अलावा ब्लास्मी मतलब मजहबी बेरुमती को अवॉइड करने के लिए फिक्शनल एलिमेंट्स को भी अवॉइड किया जाता था। प्यूटन इस बात पर बिलीव करते थे कि लिटरेचर को इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसे सिर्फ रिलीजियस डिस्कोर्स जैसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनी ब्रैडस्ट्रीट और जॉन विथ्रोप जैसे प्यूटन ने स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा लिखा, इन्होंने अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नीज को शेयर किया। उनका मकसद सिर्फ एक न्यू सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्यूटन बिलीफ और विजन को दूसरों तक इम्पोज करना था। वो सिर्फ इसे रिलीजन के जरिए दूसरों के आइडियल सोसाइटी के लिए मोटिव करना चाहते थे और इसलिए वो उन्होंने अपनी जो है वो पर्सनल जर्नीज को दूसरों के साथ शेयर किया, और रिलीजियस तौर पर इस एज में एक अहम किरदार अदा। प्यूटन पोइट्री स्टाइल अगर देखा जाए तो प्यूटन एज की पोइट्री ने स्पेशल सोनेट्स को यूज़ किया, उनमें एनी ब्रैडस्ट्रीट शामिल है जिन्हें पहली अमेरिकी पोइट के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है। शेक्सपियर और एलिजाबेथन एज में लिखी जाने वाली सोनेट्स को ही उन्होंने इस एज में प्रेजेंट किया। द आथर टू हर बुक जैसे ब्रॉडस्ट्रीट ने लिखा, वो इस तरह की सोनेट पर लिखी जाने वाली फेमस बुक थी। उसने क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए प्योर यूरोपियन पोएटिक स्टाइल में इसे लिखा। इस एज की पोएट्री भी सिंपल और ईजी होने के साथ साथ अंडरस्टैंडेबल थी। लिटरेचर थीम्स यूज्ड इन प्यूटन एज जो लिटरेचर के थीम थे जो इस एज में यूज होने वाले कॉमन थीम जिसमें पोलिटिकल आइडियलिज्म और रिलीजियस शामिल हैं, इसमें जो है प्रैक्टिलिजम्स और प्रैगमेंटिज्म जैसे थीम शामिल हैं। रिलीजियस डिस्कोर्स का मकसद लोगों में इनवाइटेबिलिटी ऑफ सिन और सेंस ऑफ गिल्ट जैसे कंसेप्ट
पर एम्फसाइज करना था ताकि लोग अपने सिंस पर अशेम्ड हो सकें, वो इस चीज़ के बारे में सोचें और नेक्स्ट टाइम सिंस करने से पहले वो अशेम्ड फील करें और अपने गिल्ट को फील करें। इसमें थीम ऑफ सिंबलिज्म को इस्तेमाल किया गया जिसे मुख्तलिफ रिलीजियस स्कल्पचर से लिया गया, नाउन एज बाइबल एज। ये एज जो है वो बाइबल एज भी मानी जाती है। इस एज को इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल के एज के दौर पर भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बाइबल टेक्स्ट जैसा टेस्टमेंट और बुक ऑफ जर्मेनिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस टेक्स्ट को यूज़ किया गया, इस वजह से जनरा ऑफ जर्मेनिया के तौर पर भी जाना जाता है। इस एज में आइडिया ऑफ रिफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल किया गया, इसमें यूनिटी और फ्री चॉइस को बहुत अहमियत हासिल दी। इस एज में वर्ल्ड और स्पिरिट के दरमियान स्ट्रगल के कंसेप्ट को भी बयान किया गया है। इस दौर में बहुत से फैमिलीज चर्च और रिलीजियस सर्मन्स को अटेंड किया करते थे ताकि इंटेंटी रियल इंटेंटी को पहचान कर स्पिरिचुअलिटी के सेंस को फील कर सके। बेसिकली ये एक फुल रिलीजियस दौर था जिसमें रिलीजियस को बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिली और यही इन लोगों का मकसद था जो वो उसमें उनको सक्सेस हुई और ये एक रिलीजियस दौर समझा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने प्यूटन एज को ओवरऑल उसके तमाम करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, उसके पोइट्री प्रोज ड्रामा नावल और हर तरह से हर सेंस में हमने इसको डिस्कस किया। उसमें जो बायोग्राफीज भी देखी, उसमें जो थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ पोइट्री थी, उसको भी डिस्कस किया। तो हमने ओवरऑल पोइटन एज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट हम डेस्ट्रेशन पीरियड देखेंगे जिसमें मोनार्क सिस्टम वापस आता है। तो तब तक के लिए साथ रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।